मौसम सुहाना है और पानी जमा है, और इसी सुनहरे मौसम के बीच में जवां दिलों की धड़कनों को बढ़ाने आ चुकी है एक मूवी जिसका नाम है सत्य प्रेम की कथा। जी हाँ दोस्तों, आज हम सत्य प्रेम की कथा मूवी का रिव्यू करेंगे। अभी सत्य प्रेम की कथा मूवी के बारे में अगर मैं बात करूँ तो ये मूवी 2.5 घंटे की मूवी है, और इस मूवी के अंदर गाने बहुत अच्छे हैं, बैकग्राउंड म्यूजिक भी बहुत अच्छा है, और सबसे अच्छी तो कियारा और कार्तिक इन दोनों की केमिस्ट्री और उसके ऊपर इन दोनों की एक्टिंग। भाई साहब, ये दोनों की जोड़ी एक बार फिर से भूल भुलैया 2 के बाद जो कहर ढाएगी वो भी इमोशनल, रोमांटिक और कॉमेडी मूवी के द्वारा। उस मूवी का नाम है सत्य प्रेम की कथा। यहाँ पे सत्य प्रेम यानी कि सत्तू हमारे कार्तिक आर्यन, और कथा यानी कि ऑलवेज कियारा आडवाणी। अभी मूवी की स्टोरी की बात करें तो यहाँ पे सत्य प्रेम यानी कि अपना सत्तू जो कि वेल्ला होता है, और उसको करनी होती है शादी, मगर उसके माँ बाप कहते अरे ये तो वेल्ला नल्ला निठल्ला है, इसे लड़की कौन देगा, लड़की कहाँ से मिलेगी। तो उसी दौरान उसकी मुलाकात होती है हमारी कथा से यानी कि कियारा आडवाणी से, और उसके बाद उन दोनों के बीच में थोड़ा अट्रैक्शन वो सब होता है। फिर काफ़ी लंबे अरसे के बाद वो दोनों वापस एक दूसरे के साथ मिलते हैं, उसके बाद उन दोनों की शादी, फिर उसके बाद आफ्टर मैरिज क्या होता है, नोक जोक, अच्छा बुरा, सभी तरह का ड्रामा, इमोशन, सब कुछ इस मूवी के अंदर बहुत अच्छी तरीके से दिखाया दोस्तों। अभी इस पूरी स्टोरी के बीच में सबसे बढ़िया मुझे लगी तो कार्तिक आर्यन और उसके बापूजी यानी कि गजराज राव, उन दोनों की जो केमिस्ट्री और एक्टिंग है, जो नोकझोंक है, वो आपको बहुत अच्छी लगेगी। उसके ऊपर सुप्रिया पाठक, उनकी भी एक्टिंग इस मूवी के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छी है, और जिस तरह से कार्तिक की बहन उसके बारे में जो ताने मारती है वो देख के तो आपको हंसी छूटेगी ही छूटेगी। और उसके ऊपर राजपाल यादव सर की जो इसके अंदर जो एंट्री होती है, उनकी जो नोकझोंक, जो बातचीत होती है, भाई साहब बहुत मज़ा दिलाती है ये मूवी। शुरुआत में मूवी बहुत इनोसेंस पेस में बढ़ती है, उसके बाद इन दोनों के बीच में प्यार और रोमांस जो जिस तरह से उभर के आता है, उसके बाद जो इंटरवल मोड पे जो ट्रेजिक मोमेंट आता है ना भाई साहब, उसके बाद जो इंटरवल के बाद मूवी जो करवट लेती है, एक बार तो ये मूवी आप देख सकते हो, इतनी भी बुरी नहीं है और इतनी भी माइंड ब्लोइंग नहीं है। हालांकि इसका BGM, डायलॉग डिलीवरी, सिनेमेटोग्राफी, प्रोडक्शन वैल्यू, एक्टिंग वाइज ये मूवी बहुत ज़्यादा रिच है दोस्तों। तो दोस्तों मुझे तो ये मूवी अच्छी लगी। अभी आपकी क्या राय है इस मूवी के बारे में कमेंट में बताइए। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।